ये स्कर्ट सरप्लस कपड़े की ही होती है, ठीक है, मतलब कट वाला कपड़ा होता है वैसे, ये साइज पूरा होता है, लॉन्ग स्कर्ट है, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगी 75 रुपीज में, जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है जी, बट होता टू वे ही है ये भी, ठीक है, इम्पोर्टेड फैब्रिक है, इम्पोर्टेड में आता है ये, इम्पोर्टेड, आपको देखेंगे इसमें आपको स्किन नजर नहीं आएगी जी, ये अच्छा कपड़ा होता है और एक्सरसाइज होता है इसका भी। क्या रेंज क्या है इसकी मैम? ये 60 रुपीज की पड़ेगी आपको, ये आ जाएगा 60 रुपीज के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल आपको रेंज के अंदर आपको मिल जाती है लेगिंग। और दिखिए, और ये प्रिंटेड में आती है? प्रिंटेड में आते हैं, लेकिन इसमें प्रिंट हमेशा अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये कपड़ा ना सरप्लस वाला कपड़ा होता है जो हमें सस्ता मिलता है, ठीक है, इसीलिए हम सस्ता बना के। क्या रेंज होती है ये सर? 70 रुपीज सर। जो हमारे पास सलवार है हम एक ही रेट की देते हैं, 110 की, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में कम रेंज की भी मिलती है, पर वो क्या, उनका जो घेरा होता है ना, हाँ जी, वो कपड़े में कम होता है जी, ये हमारा पूरी पूरा घेरा का है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद, कैसे हैं आप सब? ये मंजूर ब्लॉग देखने वाले, तो आप सबकी जो बहुत हैवी डिमांड आ रही थी कि लेगिंग्स जो होती हैं, प्लाजोज जो होते हैं, कहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, कहाँ पर यानी कि आपको मिलने वाले हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट आज क्लोज करने के लिए मैं आज आ गया हूँ केशव ट्रेडर्स पर, जो कि है आपका ओखला के अंदर। कौन सी मार्केट का नाम है मैम ये? संजय कॉलोनी, इस मार्केट का नाम है। और यहाँ पर जो यहाँ के ऑनर है मेरे साथ है मीनाक्षी जी, और मैम कैसे हैं आप? जी, तो मैम आप आज की वीडियो में मेरे व्यूअर्स को आप क्या क्या दिखाने वाले हैं? आज आपको मैं लेगिंग प्लाजो स्कर्ट दिखाने वाली हूं, ठीक है, लेगिंग्स प्लाजो और स्कर्ट में हम दिखाने वाले हैं। और हम यहाँ पर जो लेगिंग्स की स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? स्टार्टिंग रेंज है 30 रुपीज मॉर्जी फैब्रिक में, ठीक है, देन उसके बाद 45 वाली है, 65 वाली है, 70 वाली है, ठीक है, अलग अलग रेट में 30 रुपीज से लेगिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैम प्लाजो कितने स्टार्ट होता है? प्लाजो 55 से प्लाजो स्टार्ट हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, ठीक है। और मैम आपको मैं पूरी वीडियो के अंदर जो है आपको वैरायटी दिखाऊंगा, आपको अनलिमिटेड वैरायटी दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्राइस आपको जो बताऊंगा होलसेल आपको प्राइस बताऊंगा, रिटेल में थोड़े से प्राइस ज्यादा होते हैं, आप कॉल करके यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको होलसेल में माल चाहिए, इंडिया में माल चाहिए, आपको इंडिया से बाहर आपको माल चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो ज्यादा बात ना करते हो, पहले आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कैसे कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपको इनकी जो शॉप है वहाँ पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो लेगिंग्स होती है। और जो न्यू व्यूअर्स नए पब्लिक नहीं जनता पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, और तीसरा छोटा सा काम है इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर मैंने पहले अपडेट डाल दिया था कि आज मैं कहां पर शूट कर रहा हूं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे आपको किसी रेट पर आपको ये मिलते हैं। चलिए कम, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनका पूरे का पूरा जो है मेकिंग का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका जो है कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, खुद अपना ये जो है ब्रांड यहाँ पर जो है बनाते हैं केशव ट्रेडर्स के नाम से, यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी जो है ये कंपनी है। और जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जोड़े जा रहे हैं, जो कटिंग जो पीसेज होते हैं ये आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बार में जो है काफ़ी सारे इसके साथ जो है पीस जोड़े जाते हैं, स्टिच किए जाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग जगह पर यहाँ पर भी सेम वही वर्क चल रहा है, स्टिचिंग का जो काम होता है मशीनरी से, तीनों साइड जो है सेम यही वर्क चल रहा है। और ये जो पहले कटते हैं, कटते कहाँ पर है ये? कटते अलग होता है, कटिंग जो होती है कटिंग टेबल जो इनकी अलग लगी हुई है, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हज़ारों की क्वांटिटी में यहाँ पर जो है पीस रेडी किए जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर जो है लेगिंग्स वगैरह लगी भी हुई हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? 30 रुपीज़ से जो है ये लेगिंग्स जो यहाँ पर जो है ये स्टार्ट होती हैं, जैसे कि आप दिखाइए, एक बार दिखाइए आप कैसे कैसी लेगिंग्स होती हैं। ये 30 रुपीज़ से जो है लेगिंग स्टार्ट है ये वाली, और दो चार आप सैंपल दिखा दीजिए अभी जो रेडी किए इन्होंने, जो ये अभी बन रही है ये 65 की है, श्रिंक कॉटन बोलते हैं हम इसे, टू वे, कौन सा कॉटन होता है ये? श्रिंक कॉटन होता है, 65 रुपीज़, और टू वे है ये, टू वे है दोनों तरफ से, हाँ मतलब टू वे मतलब एक तो होता है कपड़ा फोर वे से चारों तरफ से खींचता है, ठीक है, ये सिर्फ दो तरफ से खींचेगा, ये चारों तरफ से नहीं खींचेगा, ठीक है, ये टू वे है, ठीक है मैम, तो इस तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पर इनके पास अभी लेगिंग्स है। आपको मैं इनको प्रॉपर दिखाता हूँ कैसे कैसे इनके पास और वैरायटीज है लेगिंग्स की और प्लाजोज की और कुर्तीज़ की जो वैरायटीज हैं, मेकिंग इनका अपना खुद का है यहाँ पर जो लेगिंग्स होती हैं। और अभी आपको मैं इनका जो दूसरी शॉप है ये इनका पूरा इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री टाइप बना रखा है, गोदाम टाइप बना रखा है जहाँ पर ये बनाते हैं, और आपको इनके मैं शॉप पर लेकर चलता हूँ और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे कैसे इनके प्राइजेस होते हैं। तो यहाँ के जो ऑनर है केशव ट्रेडर्स के मीनाक्षी जी मेरे साथ में है, मैम दिखाइए यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज क्या होती है आपके यहाँ पे? स्टार्टिंग रेंज हमारे पास 30 रुपीज से स्टार्ट है रैगिंग, ठीक है, जैसे कि ये वाली हॉजरी फैब्रिक में आती है, थोड़ा हल्का कपड़ा होता है जी, रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, बट एक्सरसाइज होता है ये, इतना बुरा नहीं होता कपड़ा। और इसमें कलर्स मैम? इसमें कलर्स आपको 10 से 12 मिलेंगे, ठीक है, सारे 40 कलर नहीं मिलेंगे इसमें, आपको 10 से 12 कलर ही। और कम से कम मैम कितने पीस मंगाने पड़ते हैं कस्टमर को? ये साथ जो रेट में बताऊंगी वो होलसेल रेट बताऊंगी, आपको कम से कम 100 पीस मंगाने होंगे, अगर किसी क्लाइंट को कम चाहिए
लिए, तो वो हम कम भी दे देते हैं, बट उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। जैसे कि अगर आप 10 पीस मंगाओगे तो आपको एक पे रेट अकॉर्डिंग टू रिटेल में आ जाएगा, रिटेल में जाएगा 2 रुपए 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने। अगर कस्टमर मान लीजिए मैम अगर शॉप पर आकर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो, लेकिन हम फैक्ट्री में विजिट किसी को नहीं कराते। अच्छा, विजिट नहीं कराते फैक्ट्री, हम वहाँ विजिट नहीं कराते जी, शॉप पे ले लें, शॉप पर ही आप दिखाते हैं प्रॉपर जो होता है। शॉप पर देख सकते हैं आप, हमारे घर पे आके देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। और दिखाइए मैम और कैसे कैसे सैंपल्स हैं। ये तो जैसे 30 वाला हो गया जी, ठीक है, हमें दिखा रही हूँ आपको 40 वाला, ये 45 रुपीज का है। ये आप एक और देख सकते हैं, आ जाएगा 45 से थोड़ा सा बड़ा है कपड़ा, उससे थोड़ा सा भारी है। कपड़ा कौन सा होता है ये भी हॉजरी कपड़ा, इसे हम टीआर बोलते हैं वैसे। ठीक है, और इसमें कलर्स, इसमें भी कलर 10 से 12 ही मिलेंगे आपको, इसमें ज्यादा कलर नहीं मिलेंगे आपको इसमें। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है मैम और दिखिए। ये आता है हमारे पास इम्पोर्टेड फैब्रिक में, जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है जी, बट होता टू वे ही है ये भी, बट ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है, इम्पोर्टेड में आता है ये इम्पोर्टेड। आपको देखेंगे इसमें आपको स्किन नजर नहीं आएगी जी, ये अच्छा कपड़ा होता है और एक्सल साइज होता है इसका भी। और क्या रेंज होती है? 70 रुपीस की है ये, 70 रुपीस में आ जाएगा। हाँ जी, फैब्रिक इम्पोर्टेड है इसका। कलर इसमें, इसमें भी आपको 10 से 12 कलर ही मिलेंगे। ठीक है मैम और दिखिए। देन आपके पास आपको मिलेगा एक श्रिंक कॉटन में, श्रिंक कॉटन, श्रिंक कॉटन जी। इसका सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका श्रिंक कॉटन है जी, ये अप टू डबल एक्सएल तक चली जाती है। ठीक है, बट ये टू वे होती है वैसे, 4 वे नहीं है। हाँ जी, कपड़े लेगिंग में 2 तरह के कपड़े आते हैं, 2 वे और 4 वे। ठीक है, ये अभी जितने भी मैंने दिखाए आपको 2 वे ही दिखाए हैं। ठीक है, ये 65 रुपीस का पड़ेगा, ये 65 में आ जाएगा। इसमें भी कलर मिल जाएंगे, इसमें कलर मिलेंगे आपको 12 से 15 कलर मिलेंगे इसमें भी आपको। ठीक है, सारे रनिंग कलर मिलेंगे जी। और दिखिए तरीके से होंगे, और एक लेगिंग आती है हमारी रूबी की, रूबी में, रूबी में। ठीक है, रूबी इस वाले कपड़े में भी आती है। ठीक है, और एक रूबी होती है 4 वे में, ये तो 2 वे दिखाया मैंने जी, ये आपको 4 वे। ठीक है, तो इसमें जो कटिंग आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा कटिंग जो आ रही है, हाँ जी, इसे रूबी कट बोलते हैं, जिसमें म्यानी सारी लाइनिंग में होगी हमारी। ठीक है, ठीक है, ये आपको डबल एक्सएल तक जाएगी। ठीक है, ठीक है, और ये आएगी, रेंज क्या बताया इसकी? रेंज आएगी 78 रुपीज, 78 रुपीज आ जाएगा आपका होलसेल के अंदर, होलसेल में जी। और दिखिए, और एक आपको मैं दिखाती हूँ विस्कोस फैब्रिक में, विस्कोस के अंदर, विस्कोस फैब्रिक होता है एक, तो होता है कॉटन फैब्रिक जी, एक होता है विस्कोस फैब्रिक। विस्कोस में क्या होती है, थोड़ी शाइनिंग होती है एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी ऐसा, और कई लोग शाइनिंग वाला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, कई लोग सिंपल सोबर कॉटन पहनना पसंद करते जी, तो ये शाइनिंग वाला कपड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या रेंज का होती है? 85 में आ जाएगी। आप देखेंगे कपड़ा खराब नहीं है, कपड़ा अच्छा है इसका। ठीक है, ये सारे होलसेल रेट फैक्ट्री रेट है, फैक्ट्री रेट है सारे, सारे फैक्ट्री रेट है, ये होलसेल रेट भी है। ठीक है मैम और दिखिए, एक ये आएगी लेगिंग जो अच्छे फैब्रिक में होगी। ठीक है, कौन सा फैब्रिक, कौन सा होता है ये भी कॉटन है, कॉटन के अंदर कॉटन लाइक्रा में ही आएगा ये भी, विद नाड़ा आएगा, म्यानी और रूबी कट में आएगी। क्या रेंज है इसकी? ये आएगी 95 रुपीज की, 95। ये कपड़ा अच्छा वाला है थोड़ा। ठीक है, यानी कपड़े की वेराइटी जो है अप होती जाएगी जैसे रेट बढ़ते जाएंगे, रेट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और दिखिए, और एक है ये 130 में, ये आ जाएगा आपका 130 के अंदर, उससे थोड़ा और बड़ा ही है 100 वाली से। ठीक है, और कपड़ा उससे थोड़ा सा और ज्यादा है, और इसमें जो क्या है कि इसके रेट बढ़ने के कारण ये है कि इसमें जो क्या है आप देख रहे होंगे ये 2 एक्स्ट्रा कट है। ठीक है, डिजाइन रूबी में म्यानी, हाँ जी रूबी म्यानी, और डिजाइन पैटर्न अलग है थोड़ा सा, ये 130 का होगा, ये 130 में आ जाएगा। ये होगा डबल एक्सएल साइज, और जो ट्रिपल एक्सएल इसी कपड़े में मिलेगा आपको जी, जो बहुत हैवी लेडी होती है उन लोगों के लिए। ठीक है, आएगा 150। ठीक है, और देखिए लेगिंग में एक आएगी आपको ये म्यानी वाली, ये सॉरी पैच वाली लेगिंग, जिसमें विस्कोस फैब्रिक होता है, अच्छा अच्छा वाला विस्कोस होता है जी। इसमें आपको देखो बॉटम पे आप देख रहे होंगे पैच लगा है जी। इस तरीके के हमारे पास और भी पैच होते हैं, ये जैसे फ्रंट पे पैच है, कुछ पैच हमारे साइड में होते हैं, और कुछ होती है हमारी जो नेट लगी हुई होती है लेगिंग। ठीक है, ये होती है 140 रुपीज में, कपड़ा अच्छा होगा इसका विद म्यानी होगा, 140 के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे। और देखिए प्रिंटेड लेगिंग आपको ये भी है कि बनी हुई है, कपड़ा इंपोर्टेड होता है, ये वाला विस्कोस होता है वैसे। ठीक है, लाइक्रा विस्कोस होता है। ठीक है, इसमें प्रिंट अलग अलग आएंगे, हर बार चेंज होगा। क्या रेंज क्या है इसकी मैम? ये 60 रुपीज की पड़ेगी आपको, ये आ जाएगा 60 रुपीज के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल आपको रेंज के अंदर आपको मिल जाती है लेगिंग। और दिखाइए लेगिंग एक आएगी शिमर लेगिंग, शिमर में, शिमर ये पार्टी वेयर होती है वैसे। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको 2 साइज मिलेंगे, एक्सएल डबल एक्सएल। ठीक है, जो एक्सएल साइज होगा वो आपको मिलेगी 90 रुपीज की। ठीक है, और जो डबल एक्सएल मिलेगा वो आपको 100 रुपीज की मिलेगी।
ठीक है मैम, और इसमें साइज वगैरह यानी कि दो ही इसके अंदर साइज आते हैं? दो ही साइज, इसमें कलर वेरिएशन आते हैं जैसे लाइट और डार्क, जैसे ये हो गया, एक आता है लाइट कलर ये वाला, ठीक है, एक आता है ये डार्क वाला, एक आता है इससे मिडिल वाला। कपड़ा कौन सा बोला आपने? शिमर, शिमर, शिमर कपड़ा इसको बोला जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। लेगिंग में तो सर वैरायटी अभी हमारे पास यही है, और हम और अच्छे में एक और बना रहे हैं जी, अभी जल्दी ही लॉन्च कर देंगे 10-15 दिन में, ठीक है, जो फैब्रिक बहुत अच्छा होगा और 150 के अंदर अंदर में होगी वो, ठीक है। इसके अलावा और, इसके अलावा और क्या क्या रेंज है आपके पास? मेरे पास एक लेगिंग है ये वाली एंकल लेंथ में, एंकल लेंथ में हमारे पास सिर्फ एक ही कपड़े में बनाते हैं हम, इसमें वैरायटी नहीं रखते एंकल लेंथ में, ठीक है, क्योंकि एंकल लेंथ में अच्छे कपड़े में ही मांगते हैं हमसे, ठीक है मैम। क्या रेंज क्या होती है ये? 110 की है ये, 110 रुपए की रेंज आपके यहाँ मिल जाती है? रूबी म्यानी सारी चीजें इसमें है, ठीक है मैम। और ठीक है सर, लेगिंग में तो सर ये वैरायटी हमारे पास, ठीक है मैम। बाकी हमारे पास आते हैं जैसे प्लाजो, हाँ जी ठीक है, प्लाजो स्टार्टिंग रेट जो है हमारे पास है 55 से प्लाजो स्टार्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये प्लाजो आपको फर्स्ट दिखा रहा हूँ मैं, विदाउट इनर है, सिर्फ प्लाजो है, इसमें कोई इनर नहीं लगा हुआ, ठीक है, ठीक है। ये है 55 के अंदर। कलर इसमें? कलर इसमें आपको 10-12 मिल जाएंगे सर, 10-12 कलर मिल जाएंगे। जो मैंने अभी लेगिंग आपको बताई है महंगी वाली, उनमें आपको अप टू 40 कलर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सस्ती वालों में तो सिर्फ 10-12 हसद 15 कलर मिलेंगे, ठीक है। और जो अच्छी लेगिंग्स हैं, हाँ जी, उनके आपसे आपको कम से कम 30-40 कलर मिल जाएंगे, ठीक है मैम। और देखिए, और एक आता है प्रिंटेड प्लाजो, ये भी हल्का वाला ही है, ये प्रिंटेड में आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, है जैसे होलसेल रेट है 72। यस सर, ये इसके बॉटम पे जो है बॉटम पे प्रिंट है, प्रिंट मिल जाता है, प्रिंट वर्क जो होता है। और ये ब्लैक के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कलर कितने आते हैं? इसमें भी सर 10-12 कलर होते हैं। और रेंज क्या बताइए इसकी? रेंज सर 72 बताइए। 72 के अंदर आपको प्लाजो यहाँ पर मिल जाता है ये वाला। और देखिए ये कौन सी है मैम? ये प्लाजो है, ठीक है, जॉर्जेट में, ठीक है। इसके अंदर इनर है पूरा नीचे तक का, नीचे तक इसका इनर होता है ना, एंकल लेंथ तक इनर होता है। और ये प्रिंटेड में आती है? प्रिंटेड में आते हैं, लेकिन इसमें प्रिंट हमेशा अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये कपड़ा ना सरप्लस वाला कपड़ा होता है जो हमें सस्ता मिलता है, ठीक है, इसीलिए हम सस्ता बना के। क्या रेंज होती है ये सर? 70 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पर ये वाली जो प्लाजो होती है यहाँ पर आपको मिल जाती है। और देखिए, और एक प्लाजो और है जो है रियोन में, रियोन में, ये रियोन में प्रिंट, ठीक है, ये भी आपको 70 का मिलेगा, बट प्रिंट हर बार चेंज होंगे इसमें जी, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या है कि हमारा सरप्लस का कपड़ा उठता है इसमें, ठीक है, सरप्लस का कपड़ा तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है कि जो मिल गया हम वही बनाएंगे, ठीक है, हर मैं, बार ठीक है। अलग अलग ही होंगे तो इसमें अलग अलग, यानी कि और प्रिंट नहीं आते, मिलेगी प्रिंट पूरे नहीं आते इसमें, यानी कि नहीं नहीं प्रिंट तो पूरे पे होगा, अच्छा, आई मीन कलर, कलर सर आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, पर हर बार चेंज मिलेगी। और ये मैम कम से कम कितना लेना पड़ता है प्लाजो जो होते हैं? प्लाजो सर आप कम भी ले सकते हैं, ऐसे आप 20-30-50 जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट। और देखिए मैम, ठीक है, ये भी 70 रुपीज का है सर, ठीक है। और कुछ हम प्लाजो ऑन ऑर्डर भी बनाते हैं, जैसे हमसे क्लाइंट ने बनवाया था, ये ऑन ऑर्डर बनाया था प्लेन प्लाजो, ठीक है, ठीक है ना। अब वो फैब्रिक कई क्लाइंट कहते हैं हम अपना फैब्रिक देंगे, हाँ जी, कई क्लाइंट कहते हैं हम फैब्रिक अपना नहीं देंगे, फैब्रिक भी आप लोग हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, हम वो भी करवाते हैं, जैसे एक क्लाइंट ने हमसे बनवाया था, ठीक है। क्या रेंज है इसकी सर? ये वाला फैब्रिक क्लाइंट ने ही दिया था, हमने सिर्फ उनसे बनाई ली थी, बनाने का लिया था आपने। अगर मान लीजिए हम किसी को अगर आपसे अगर इकट्ठा माल बनवाना होता है, वो भी बना देते हैं? डेफिनेटली सर, तो वो भी यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग रेट होता है वही चार्जेस करते हैं? वही, हाँ जी, हमारे एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है, बस जो हमारी लेबर चार्जेस है जी, जो हमारी कटिंग चार्जेस है और जो मार्जिन है वो हटा के आपको वो देना होगा। बाकी अगर आप कई क्लाइंट कहते हैं कपड़ा हम देंगे, हाँ जी, तो कपड़ा वो भी दे सकते हैं, कई क्लाइंट कहते हैं मैडम कपड़ा भी आप ही लो जी, वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है मैम, दोनों फैसिलिटी। और देखिए जी, एक प्लाजो आएगा सर आपका, ये जो मैंने अभी प्रिंट सस्ता वाला दिखाया यही प्रिंट दिखा रही हूँ मैं, महंगा मतलब अच्छा अच्छा अच्छे के अंदर आ जाएगा, विस्कोस फैब्रिक पे, ये भी स्कॉच पे आ जाएगा, प्रिंट सेम प्रिंट है बट कपड़ा इसमें अच्छा है। क्या रेंज है इसकी? ये 105, ये 105 की रेंज में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और देखिए एक हमारा मलाई नाम से प्लाजो आता है जिसमें इनर भी लगी हुई होती है अंदर, ठीक है, हाफ इनर होती है, बट इतनी हाफ इनर होती है, ठीक है, ठीक है ना। और इसमें मैम कलर्स? इसमें कलर आपको 15-20 मिल जाते हैं, 15-20 आपको इसमें कलर्स मिल जाते हैं। और कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल। रेंज क्या होती है इसकी? रेंज है 105। 105 सेम इसका प्राइस रहता है, 105 के अंदर आपको ये प्लाजो यहाँ पर मिल जाती है। और देखिए एक मेरे पास फैब्रिक एक प्लाजो है मेरे पास इस टाइप का, ये एक और प्लाजो में आ जाएगा, पैटर्न अलग आ जाएगा, ये है उसे इसे बोलते हैं चिकन का कपड़ा, चिकन क्लोथ, चिकन, ठीक है। और इसके बॉटम पे ये पैटर्न रहता है डिजाइन। और क्या रेंज क्या होती है इसकी?
सर ये 150 का पड़ेगा, ये 150 की रेंज में आ जाएगा। और ये इजीली जो मार्केट में बिकते हैं 200 250 300 रुपए की रेंज में बिकते हैं। और इस पे कलर कितने आते हैं? इसमें भी सर 10 से 12 कलर मिलते हैं। 10 से 12 कलर्स आपको मिल जाते हैं। और देखिए एक चिकन आता है जो पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर से देखिए कपड़ा भी मोटा होता है, कॉटन चिकन होता है, ठीक है, पूरा ये पूरा मार्केट में 400-500 रुपए के मिलते हैं। वैसे 400-500 रुपए रिटेल काउंटर पे आपको मिलता है। ये इसका रेंज क्या बताया? ये 220 का। ये 220 की रेंज में आपको मिल जाएगा। पूरे प्लाजो के ऊपर आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, पूरे के पूरे प्लाजो के ऊपर। कलर कितने आते हैं इसमें भी? 10 से 12 कलर। 10 से 12 कलर। और देखिए एक प्लाजो हमारे पास सस्ते में आता है, प्रिंट में ही आता है, वो भी जी सस्ता आता है जी। कपड़ा थोड़ा हल्का होता है, प्रिंटेड होता है, ठीक है। ये प्लाजो ये किस रेंज में है? ये 55। 55 में कपड़ा कौन सा होता है? इसे हम वो शरीन कपड़ा बोलते हैं। शरीन कपड़ा होता है। और इसमें जो कलर्स होते हैं? इसमें अलग अलग प्रिंट आते हैं, अलग अलग डिजाइन आते हैं, ठीक है मैम। और इसके अलावा कुछ? एक है ये वाला प्लाजो जो नीचे बॉटम पे डिजाइन होगा, ठीक है। इसके जो है बॉटम पे आपको जो है ये वाला पैटर्न का आपको डिजाइन मिल जाता है, लेस इसके नीचे लगी होती है। और इसमें कलर कितने आते हैं? इसमें भी सर 10 से 12 कलर 15 कलर मिल जाते हैं। 10 से 12 15 कलर मिल जाते हैं। रेंज क्या बताइए सर? इसकी रेंज 150 है। ये आ जाएगा जस्ट 150 रुपीज के अंदर जी। और देखिए एक प्लाजो ये जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, हाँ जी, साइज बड़ा ही होता है, छोटा साइज नहीं होता, ठीक है, नाड़ा होता है, ठीक है, पूरा साइज है, देखिए नीचे डिजाइन है, लैस लगी हुई है, ये नीचे भी डिजाइन पैटर्न आपको प्लाजो के मिल जाता है। क्या रेंज है इसकी? ये भी 150। ये भी 150 की रेंज में आ जाएगा होलसेल प्राइस में। और देखिए एक आती है पैंट प्लाजो, पैंट टाइप जो प्लाजो होती है इसको, ये कपड़ा होता है लमलम, इसे लमलम बोलते हैं, होता है, ठीक है। इसमें पॉकेट भी बनी हुई होती है जी, ठीक है, पूरी इलास्टिक लगी हुई होती है, पूरी इलास्टिक है, चौड़ी, बॉटम पे बटन लगे हुए होते हैं, नीचे बॉटम पे आप देख सकते हैं बटन लगे होते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और क्या रेंज क्या होती है इसकी? ये भी 150। जस्ट 150 के अंदर आपको ये वाला पीस भी यहाँ मिल जाता है। और देखिए एक प्लाजो आता है शिमर में, देखिए आ जाएगा शिमर क्लोथ में एक और प्लाजो, ये प्लाजो है ये भी 150 की रेंज में है, ये भी 150 में आ जाएगा जी, ठीक है मैम। और ये जो आजकल पार्टी वियर सूटों के साथ चल रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, ये उस टाइप के हैं, शिमर लेगिंग, शिमर प्लाजो, ठीक है, ये पार्टी वियर के काम में आते हैं, ठीक है मैम। एक आता है हमारा डिजाइन में डिजाइनर जी, ये ऊपर आप देखेंगे कपड़ा मलाई वाले से भी अच्छा होता है जी। और इसके ऊपर मतलब कई लड़कियां जो टॉप के साथ वियर करती है ना प्लाजो, हाँ जी, ये वो है, ये पूरा बटन लगा हुआ है फ्रंट पे, जैगिंग लुक देता है, ठीक है। और एक क्या रेंज क्या रहती है इसकी? ये भी 150। ये भी जस्ट 150 में आ जाएगा। कलर्स मिल जाते हैं इसमें जी, ठीक है मैम। और मैम ये क्या है आप जो दिखा रहे हैं? ये सलवार है, ठीक है, जो सूट के साथ कॉटन सलवार है, जो कुर्ती सूट के साथ लड़कियां पहनती हैं। हाँ जी, सलवार में भी आप डील करते हैं? जी जी, सलवार की भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सर। इसमें क्या रेंज होता है सलवार का स्टार्टिंग जो है ये दिखा रहे हैं? सर जो हमारे पास सलवार है हम एक ही रेट की देते हैं, 110 की, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में कम रेंज की भी मिलती है, पर वो क्या उनका जो घेरा होता है ना, हाँ जी, वो कपड़े में कम होता है जी। ये हमारा पूरा घेरा का है, आप देख रहे होंगे साइज, पूरा पटियाला सलवार टाइप जो होता है जी जी जी, सेमी पटियाला 110 के अंदर सेमी पटियाला आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा सर मेरे पास स्कर्ट्स हैं जो ऑन ऑर्डर ही बनाते हैं वैसे तो, ठीक है, पर रेगुलरली मिल जाती है, ए लाइन स्कर्ट्स होती हैं ये, ठीक है, शिमर फैब्रिक में, यहाँ से साइड में कट होगा, नीचे कट होता है इसके जी, और ऊपर बेल्ट पे आपको जो है ये पैटर्न आपको बैच मिल जाता है। डिजाइन क्या रेंज होती है सर? ये वाली भी 150 के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है होलसेल में। इसमें कम से कम कितने पीस ले सकते हैं आप? 10, 12, 5, इसमें तो आप क्वांटिटी जो भी, यानी कि यहाँ पर शॉप पर आके ले सकते हैं। हाँ, शॉप पे भी ले सकते हैं और ऑर्डर भी मंगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भी मंगा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और देखिए एक स्कर्ट है, एक कट में ही विद इनर, ये वाली एक और आ जाएगी स्कर्ट, पहले वाले से अलग सेम कट में आ जाएगी। रेंज क्या है सर? ये वाली 130 की है। ये 130 के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाली है मलाई क्लोथ और विद इनर आपको मिल जाती है, ठीक है। और मैम क्या आप दिखाने वाले हैं? ये स्कर्ट सरप्लस कपड़े की ही होती है, ठीक है, मतलब कट वाला कपड़ा होता है वैसे, ये साइज पूरा होता है, लॉन्ग स्कर्ट है, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगी 75 रुपीज में। जस्ट 75 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पर ये स्कर्ट मिल जाती है, लॉन्ग स्कर्ट होती है। और जैसे देख रहे हैं, और देखिए एक स्कर्ट्स में ही यही पैटर्न है, बट इसमें लेस लगी हुई है, तो इसकी 10 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाती है, 85 की पड़ती है ये स्कर्ट, 85 रुपीज की जस्ट मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा आपको जो है कपड़े के ऊपर ये जो है पैटर्न मिल जाता है, बड़े बड़े जो मॉल से बिकते हैं उस टाइप के कपड़े आपको आज मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। हाँ जी व्यूवर्स, तो इस तरीके से थे यहाँ पर काफी सारे लेगिंग्स के प्लाजो, और आपको मैंने जो डिजाइन दिखाए हैं, स्टार्टिंग रेंज दिखाई है। मैम अगर कस्टमर मान लीजिए आपसे कुछ मंगवाना चाहते हैं तो हम कैसे मंगवा सकते हैं?
आप अगर किसी को व्हाट्सएप के थ्रू मंगवाना है ऑनलाइन पेमेंट करके वो भी हम भेज देते हैं। कई कई जो दिल्ली के बाहर होते हैं क्लाइंट, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम सैंपल कैसे देंगे, उसके लिए हमें स्पेशल दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सैंपल्स ऑन पेमेंट बेसिस भेज देते हैं। मतलब क्लाइंट हमें पेमेंट करेंगे, हम सैंपल भेज देंगे, जब उन्हें माल पसंद है वो हमसे तो माल मंगा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के लोकल हैं तो आप यहाँ पर आके लीजिए, आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राइसेस आपको जो मैंने दिखाए हैं नॉर्मल आपको जो है अदर मार्केट्स में नहीं मिलते हैं, जो होलसेल मार्केट्स होती हैं। ये है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स, तो आपको ये अपना नया डेलिंग का नया क्रिएशन होता है मार्केट के अंदर, और नई नई आइटम्स ये डेली बनाते रहते हैं और आपको जो है देते रहते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बनाते रहते हैं। सो ज्यादा बात जी, अगर किसी को ऑन ऑर्डर कुछ बनवाना हो अपने डिजाइन, तो वो सैंपल है वो भी बनवा देते हैं। अगर ऑन ऑर्डर बनवाना है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होता है, जैसे कि मैं बता रही है। उसमें मेन्यू कितनी क्वांटिटी कस्टमर बनवा सकते हैं? अगर क्लैगिंग में कुछ कहते हैं कि हमें अपना कपड़ा देना है अपने अकॉर्डिंग, अच्छा कपड़ा या और कोई लो कपड़ा जैसा भी देना है, वो जितना वो कपड़ा देंगे उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। अगर वो हमसे कहेंगे तो कम से कम एक कलर के 100 पीसेस तो होने चाहिए, कम से कम यानी कि 100 पीस की क्वांटिटी होनी चाहिए यहाँ पर एक कलर के अंदर ना। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैम के, इनके जो यहाँ पर पूरा केशव ट्रेडर्स के नाम से इनका बिजनेस है, इनकी इन्फॉर्मेशन सारी मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इजीली कॉल करके आप यहाँ से जो मंगवा सकते हैं, पिक्चर्स भी आप व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। और न्यू व्यूवर्स, नई पब्लिक, नई जनता, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको यूं ही मेरी अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल जाएगी और अच्छी वीडियो। कल आपको दिखाने वाला हूँ पार्ट टू, जो कुर्तीज है यहाँ पर, कुर्तीज भी इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, कल आपको वो दिखाने वाला हूँ। सो यूं ही प्यार करते रहिए, अभी के लिए चलता हूँ, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हेमंत जोन विलॉग्स, बाय बाय।